तुम्हारे और हुरिया के ताल्लुकात अब ठीक हो गए हैं। अब तो वो हुरिया इस घर को कबूल करने लगी है। मैंने तुम्हें कहा था ना, रिश्तों को वक्त देना चाहिए। जी अम्मा, आपकी सारी नसीहतें बिल्कुल ठीक रही हैं। हुरिया कोशिश कर रही है कि वो हालात से समझौता कर ले। औरत को समझौता करना पड़ता है, और समझौता करना बहादुरी है। हालात से फरार हासिल करना तो बहुत आसान है, हालात से मुकाबला करना बड़ी बात है। अच्छा बताओ, हुरिया अब तो तुमसे मोहब्बत करने लगी है ना? ख्याल तो रखती है मेरा, शायद यही उसकी मोहब्बत है। औरत की मोहब्बत भी बहुत अजीब होती बेटा, वो इजहार ना भी करे ना तो उसके दिल में मोहब्बत का समंदर होता है। शौहर का ख्याल रखना, उसको अहमियत देना, उसकी इज्जत की हिफाजत करना, ये सब मोहब्बत के ही अंदाज हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यानी आप ही की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपको उनसे मिलने के लिए जरूर जाना चाहिए। ऐसे वक्त में वैसे भी तबीयत ठीक नहीं होती, डिलीवरी का वक्त करीब है, जैसी बेबी हो जाएगा तो देखने चली जाऊंगी। ठीक है, वैसे आपको देखकर बहुत खुशी होती है। इतने मुश्किल हालात में भी आपने इस घर में एडजस्ट किया, ऐसा लगता ही नहीं है कि शादी के शुरू के दिनों में हमारे दरमियान इतने इख्तलाफात थे। पुरानी बातों को दोहराने का अब कोई फायदा नहीं है। पता है आपको, ये किस्मत है जो मुझे उस दिन आपके दरवाजे पर ले आई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मुकद्दर जो है ना, ये लोगों को एक दूसरे से मिलवा देता है। मुकद्दर ही लोगों को मिलाता है और जुदा भी कर देता है। मुकद्दर के खेल भी अजीब होते हैं। इंसान उसी चीज की तरफ खिंचता है जो उसके पास नहीं होती। जैसे मैं जैसे आप क्या बात को मुकम्मल करें? कुछ नहीं। नहीं, आप बात को मुकम्मल तो करें ना, ऐसे इतनी अधूरी बातों से मैं क्या मतलब अखज़ कर सकता हूं? अधूरी बातों को वक्त मुकम्मल कर देगा।